8 बजे जो ये दुर्घटना घटी थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उस घटना को लेकर संवेदना जताऊंगी, क्योंकि वास्तव में वो घटना बड़ी दर्दनाक घटना थी। और कहीं ना कहीं इस घटना में मैं अगर पूर्ण रूप से देखूं कि इसके पीछे किसकी कमियां रही, तो मैं सबसे पहले तो जो आयोजक करता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े स्तर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आपको पूरी सावधानी के साथ और एक मतलब रूपरेखा बनानी चाहिए थी आपको वहाँ पर सुरक्षा की, कि किस तरह से जो आम जनता वहाँ पर जो रावण था उसके दहन को देखने के लिए आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ से उन लोगों ने लापरवाही की, और जो सुरक्षा की कमी वहाँ पर देखी गई है, सीधा सीधा उसी का परिणाम है। और यहाँ पर जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भूमिका है। जब कोई भी वहाँ पर चीफ गेस्ट आता है, मुझे पता चला कि वहाँ पर जो बीजेपी का विधायक चीफ गेस्ट के तौर पर आया हुआ था जब ये घटना घटी, और किस तरह से मतलब 50-60 लोगों को, निर्दोष थे जिनका कोई कसूर नहीं था, वो तो एक मतलब मेला का आयोजन करने आए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति और सभ्यता इस देश में ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। अगर मैं बात करूं कि रावण का दोष क्या है जो उसको हर साल जलाया जाता है, क्या रावण इतना बड़ा पापी हो गया था? अगर मैं पाप की या दोषों की बात करूं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगी श्री राम जी का, जिन्हें कि हम पुरुषोत्तम मर्यादा राम कहते हैं। जब श्री राम जी ने मतलब उनको सीता मैया को लेकर आए थे, और जब उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर कि भाई वो चरित्र से हीन हो गई, और उनके चरित्र की परीक्षा लेने का जो आह्वान उन्होंने किया, और वहाँ पर सीता मैया की जो परीक्षा ली, और वहाँ पर वो उस परीक्षा में भी पास हो गई, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। पहली बात तो कोई भी आप किसी भी व्यक्ति को अगर आग में बिठा दो, कोई भी है एक्साइजेड, वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न है, अगर हम किसी को आग में डालेंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अगर 1% मैं मान भी लूँ कि जो सीता जी थी वो वहाँ से मतलब अग्नि परीक्षा देकर बिल्कुल स्वस्थ और साफ रूप से निकल आई, उसके बावजूद भी लेकिन कुछ लोगों के बहकाव में आकर जब राम ने उनको वनवास दिया और छोड़ा, जबकि जिस अवस्था में वो गर्भवती थी उस समय, और उन्होंने उनको बिना बताए मतलब छल कपट से उनको जंगलों में छोड़ आए थे, तो बताइए किस तरह से हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं? जबकि रावण उसको भले उनका हरण करके ले गया था, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है कि जो उनकी बहन थी सुरूपणखा, उसकी नाक काट दी गई थी। अब देखिए, मैं अगर मेरा किसी से प्रेम प्रसंग है, मुझे कोई अच्छा लगा, मैंने उसके सामने इजहार किया, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसे मैं पसंद नहीं तो मेरी नाक ही काट दे। भई आप उसको शालीनता से मना भी कर सकते हो, लेकिन उसी चीज़ को मतलब वहाँ पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, और उसका प्रतिकार करने के लिए रावण ने वहाँ पे सीता का हरण किया और सीता को उठाकर लेके गया। और वहाँ पर जब वो लेके गया लंका, उन्होंने वहाँ पर उसको अशोक वाटिका में बड़े सुरक्षित तरीके से रखा, उसको हाथ तक नहीं लगाया। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि रावण मतलब इतना दुराचारी हो गया कि हम हर साल जब भी दशहरा आता है उसका मतलब दहन करते हैं? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गलत है, और हमें रूढ़िवादी जो सोच है उसकी तरफ धकेल रही हैं। अब जो वहाँ पर 50-60 लोग जो ज़िंदगी से चले गए, वो किसी का बेटा भी होगा, किसी का भाई भी होगा, किसी का पति भी होगा, वो तो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन हम हर साल रावण दहन करते रहेंगे। हम कब तक ये मतलब रूढ़िवादी इन चीज़ों को ढोते रहेंगे, काल्पनिक चीज़ों पर काम करते रहेंगे? तो आज ज़रूरत है सरकार को भी जागने की, क्योंकि आपने आंकड़ा उठाकर देखा होगा, ये तो एक बहुत बड़ी घटना थी जो सबके सामने आ गई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि कहीं पर किसी का पैर भी टूटा है, किसी पे मतलब जो आतिशबाजी में किसी के सर पे भी गिरे हैं, किसी को छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। और छोटे नहीं, मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि हरियाणा में लगातार 4 महीने से एक रावण पे काम चल रहा था, जिसमें कि 30 लाख रुपये की लागत आई है। बड़ी सोचने वाली बात है कि हम 30 लाख रुपए की लागत लगाकर एक रावण को बनाते हैं, उसका पुतला बनाते हैं, और चंद मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट करने के लिए उस 30 लाख रुपए में आग लगा देते हैं। अगर वो इतने ही मतलब रावण का दहन करने वाले हैं, कर क्या रहे हैं? हम ये भी नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। अगर वो 30 लाख जो रुपये वहाँ पर लगा उस रावण को बनाने में, तैयार करने में, अगर वही 30 लाख जो गरीब जनता थी हरियाणा की उसको बांट दिया जाता, तो उनका कितना विकास होता? लेकिन हम ढोते आ रहे हैं, चीज़ों को ढोते आ रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा। तो आज ज़रूरत है ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेने की, और मैं जो सत्ता पर काबिज सरकार है उससे भी एक अपील करूंगी और गुजारिश करूंगी कि जो रावण दहन है इसको रोका जाए और पूर्ण तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इससे देश की बहुत ज़्यादा जो संपत्ति आर्थिक रूप से वो नष्ट होती है, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं उस हेल्प से वो लोग वंचित रह जाते हैं, ज़रूरतमंद, और जो गाड़ी कमाई है वो वहाँ पर हम
आग में उसको बिल्कुल राख की तरह दहन कर देते हैं। तो ज़रूरत है कि अगले साल से जो रावण दहन होता है उस पर रोक लगाई जाए और उसको ना किया जाए, क्योंकि रावण इतना बड़ा पापी नहीं था। आज अगर हम स्त्री अस्मिता की बात करें, आज हमारे देश में इतनी सारी घटनाएं हैं। अगर दहन करना है तो अभी उन्नाव में जो घटना घटी थी वो बीजेपी के MLA ने की थी, उसमें दहन किया जाए। उन्नाव में जो घटना घटी थी, कठुआ में जो घटना घटी थी, वहाँ पर मंदिर में जो एक मुस्लिम आसिफा लड़की थी उसको कई 8 दिन तक लगातार बंदिश बनाकर रखा गया और उसके साथ में शारीरिक शोषण किया गया। पुलिस वाले की भी स्टेटमेंट आई थी उस पर कि भाई अभी रुक जाओ, मेरी बारी हो रहा है। तो कितनी दूषित मानसिकता हो गई इन लोगों की। अगर दहन करना तो ऐसे लोगों का दहन करना चाहिए जो आए दिन मासूम बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक रावण को लेके, और वो भी काल्पनिक, हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो थे भी या नहीं थे, लेकिन हम काल्पनिक चीज़ों को ऐसे ढोते आ रहे हैं। अगर सच में ही इस देश से रावण रूपी सभ्यता को ख़त्म करना है तो हमारे समाज में जो आज इतने गुंडे मवाली और बलात्कारी लोग पनप रहे हैं, तो ज़रूरत है आज उनको दहन करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उससे सबक मिले और लोग ऐसी घटनाएँ करने से 100 बार सोचे और कांपे उनकी रूह कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं अपील करूँगी कि इस चीज़ पर लगाम लगाई जाए और उसको रोका जाए। आपको क्या लगता है जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें ये जनता की गलती थी या किसी प्रशासन की गलती है, रेलवे प्रशासन की, ये मतलब मंत्री इनकी, किसी का हाथ है? देखिए, अगर मैं इसमें कहूँ कि गलती किसकी थी, गलती किसी की होना है, किसी को दोष देना ये तो बहुत गलत होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो कार्यक्रम के आयोजक करता थे पूरी तरह से वो दोषी है, जो सरकार की पहल पे वो कार्यक्रम हो रहा था। क्योंकि इस बार मैंने खुद आंकड़ा उठाकर देखा है, क्योंकि 2019 के चुनाव आने वाले हैं और राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बीजेपी सरकार ने बड़े ही जोर शोर से उठाया हुआ है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि बहुत सारी जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा था और बहुत सारी कुर्सियां वहां पर पीछे खाली पड़ी थी। हमने फेसबुक के माध्यम से जो लोग लाइव कर रहे थे ऐसी वीडियो को वो भी देखी है, हमने पर्सनली रास्ते में निकलते बढ़ते बहुत सारी रामलीलाएं ऐसी देखी जहाँ पर चेयर खाली पड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी रामलीलाएं ऐसी हो रही थी जो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित की गई थी, सिर्फ इसलिए कि 2019 के चुनाव है और जो भारत की जनता है बड़ी ही मासूम और मैं कहूँगी कि बड़ी निर्दोष है, वो भावनाओं में बहुत जल्दी बहती है, वो अपने इतिहास को नहीं जानती, वो पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, बस किसी ने क्या कहा और उसके पीछे वो उस भेड़ बकरी की तरह लग लेती है कि वो सोच भी नहीं पाती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं दोषी हूँ, जो वहाँ पर प्रशासनिक रूप से जो लोग कार्यक्रम को आयोजन करता थे वही थे, क्योंकि सबको पता है कि भाई इस समय यहाँ पर रेल जो आती है उसकी आवागमन लगी रहती है, तो पहले से अडल्ट करना चाहिए था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। रावण दहन हुआ था उसी टाइम ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आई, लेकिन उन लोगों को सुनाई नहीं दी, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल, इस वजह से, क्योंकि उसी समय रावण का दहन हुआ था और जो वहाँ पर बम पटाखे थे उनका शोर इतना ज़्यादा था कि जो रेल आ रही थी और ट्रेन आ रही थी उसका लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, कुछ लोग मतलब जो वहाँ पर आतिशबाजी थी उसको देखने में व्यस्त थे, तो उसका वो आकलन कर भी नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी रूप से प्रशासनिक रूप से जो प्रशासन है वो दोषी है, क्योंकि उसको पहले ही सूचना लोगों में पहुँचाने देनी चाहिए थी और रेल की पटड़ियों से और उसके आसपास से सभी लोगों को दूर कर देना चाहिए था। अगर प्रशासन इसमें अपनी सक्रिय भूमिका ईमानदारी से निभाता तो मेरे ख्याल से वो जो 60-70 लोग बेचारे अपने जिंदगी को खो चुके हैं आज वो अपने परिवार के साथ में खुशियां मना रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।